नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रैक्शंस में किसी परफेक्ट नंबर को जोड़ना या विद फ्रैक्शन जोड़ना या फिर घटाना। इसकी बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ट्रिक। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 वैसे ही 8 हो गया, तो मैं लिख देता हूँ 8 और ये 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 और 7 होता है 12, 12 लिखा 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 और 2 होता है 9, 9 सही 11/14 ये ऐसे चला जाएगा। तो बस साथियों, मुझे इनमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन्हें पकड़ के बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली मेरा आंसर यही आएगा। क्लियर है? ऐसे देखिए, अब अगर ये तो सीधा साथियों प्लस करने की बात, एक था परफेक्ट नंबर और एक था परफेक्ट नंबर के साथ फ्रैक्शन, या मैं कह सकता हूँ इसे अपन बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये परफेक्ट नंबर था और ये था मिक्स फ्रैक्शन। तो अधिकतर स्टूडेंट मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करके फिर अपना आंसर निकालते हैं, बहुत लेंदी हो जाता है। देखे तो 3 और 5 सही 2/8, वो लिख देते हैं 3, 5 3 15, 17/3। तो ये स्टेप उनका बेकार जाता है। फिर वो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम उनका आता है 3, 3 3 9, 9 17 26, फिर 26/3 लिखते हैं, उसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 8 बार भाग जाएगा, आंसर आएगा 2/3। तो साथियों, ये सारी की सारी मेहनत बिल्कुल बेकार है, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। परफेक्ट नंबर से परफेक्ट नंबर जोड़ो, फ्रैक्शन एज इट इज लिख दो। 3 और 5 8, 8 सही 2/3, 5 और 7 12, 12 सही 3/4, 7 और 2 9, 9 सही 11/14। माइनस भी इतनी तेज़ी से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना दिमाग और इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, 8 में से 2 गया तो 6 तो बचा ही बचा। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 6 - 1/3। क्लियर? अब 1/3 चूंकि नेगेटिव है तो मुझे 1/3 किसी से उधार लेके माइनस करना पड़ेगा। मैं इससे एक उधार ले लेता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा 5, एक उधार लिया और एक, आप जानते हैं अगर 1/3 माइनस किया तो बचता है 2/3। तो साथियों, मेरा आंसर होगा 5 सही 2/3। फिर से समझ लीजिए, 8 में से 2 गए तो 6 तो वैसे ही बचे हैं, और 1/3 मैं किस में से माइनस करूंगा, मैं 6 से पूरे के पूरे 6 उधार नहीं लूंगा, मैं एलसीएम नहीं लूंगा, मैं 6 से एक उधार लूंगा, 1 में से 1/3 माइनस करूंगा तो बचेगा 2/3, तो 5 सही 2/3। विद्यार्थी क्या करते हैं, वो ऐसा लिख देते हैं 8 - 7/3, फिर एलसीएम लेते हैं 3, 24 में से 7 गया 17/3, 17 में 3 का भाग देंगे वही 5 बार जाएगा, आएगा 5 सही 2/3। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि अगर आप लेंथी तरीके से करेंगे तो भी आंसर तो यही आएगा। और समझते हैं, देखिए 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे, 1 में पहले उधार लेता हूँ तो 6 बचेंगे, और 3/8 गया तो बचे 5/8, तो मेरा आंसर होगा 6 सही 5/8। 20 में से 10 गए तो 10 बचे, 1 मैंने और उधार ले लिया तो 9 बचे, 3/11 बचे, 3/11 माइनस करें तो बचे 8/11। तो साथियों, मेरा आंसर आ गया 9 सही 8/11। क्या ये सब कुछ विजिबल है आपको, इजीली दिख रहा है? इंक ठीक है, वीडियो भी स्टार्ट हो चुका है, गुड। चले साथियों, और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अभी देखो, पहले जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिखाए वो थे, एक तरफ परफेक्ट नंबर था, दूसरी तरफ मिक्स फ्रैक्शन था। उन्हें हमने प्लस भी करके देखा, उन्हें हमने माइनस भी करके देखा। अब हम केवल प्लस वालों की बात करेंगे, और प्लस में भी हम मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में प्लस करेंगे। तो देखिए कितना आसान है, 2 और 3 जोड़ दीजिए, 2 और 3 होता है 5। अभी दोनों फ्रैक्शन जोड़ देते हैं, फ्रैक्शन जोड़ने की ऑलरेडी मैं ट्रिक का वीडियो डाल चुका हूँ, 3 चौक 12, 8 और 3 11, तो मेरा आंसर आएगा 5 सही 11/12। इसे जोड़ देते हैं, 5 और 7 12 15, 9 और 5 14, तो मेरा आंसर आएगा 12 सही 14/15। साथियों, मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन जोड़ते समय ये पहले निकाल लेना चाहिए, मैं आपको और भी बेसिक ट्रिक्स पढ़ा चुका हूँ जिसमें फ्रैक्शन यूज़ आता है। फ्रैक्शन अगर 1 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन अगर 1 से बड़ा है तो हमें पहले ही कैरी कर देना चाहिए, और फ्रैक्शन अगर 1 से छोटा मतलब माइनस में जा रहा है तो फिर हम पहले ही बोरो यानी उधार कर लेना चाहिए। चले चेक करते हैं, 9 × 11 होगा 99, 22 और 27 होता है 49, तो ये फ्रैक्शन 1 से कम है, 11 और 15 होता है 25, तो मेरा आंसर आएगा 25 सही 49/99, सॉरी 25 परफेक्ट नंबर 49/99, या फिर 25 सही 49/99। तो देखिए, वहाँ जो तीनों क्वेश्चन थे उसमें फ्रैक्शन 1 से छोटा था यानी प्रॉपर फ्रैक्शन था, यहाँ देखते हैं 4 × 5 = 20 होगा, 15 और 8 = 23 होगा, तो साथियों ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन है, तो मैं इसे क्या करूँ, मैं इसमें से पहले एक उधार ले लेता हूँ, मतलब पहले एक कैरी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 सही 3/20, और वो एक जो भी आएगा मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो 10 सही 3/20 मेरा इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑल क्लियर? वापस समझ लीजिए, जब मैं 3/4 और 2/5 को जोड़ता हूँ तो 23/20 आता है, और 23/20 की वैल्यू होती है 1 सही 3/20। क्लियर है? 1 सही 3/20 का 1 इन दोनों में जोड़ के 10 हो जाएगा, और 3/20 का 3/20 आ जाएगा। ऑल राइट, देखिए 7 में होता है 63, 18 और 56 = 76, 74/63 ऑलरेडी बड़ा है 1 से, तो ये आएगा साथियों 11/63। ऑल क्लियर?
और एक मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो 11 और 12 होता है 23, तो मेरा आंसर होगा 23 सही 11/63, ये मेरा इसका परफेक्ट आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 × 5 = 40, 32 और 15 होता है 47, तो देखिए साथियों एक इससे कम कर देंगे तो बचेगा 7/40, और एक जो उधार कैरी करेंगे वो इसमें कर देते हैं 8, 8 और 15 होता है 23, तो मेरा आंसर आएगा 23 सही 7/40। ऑल क्लियर, वापस समझ सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन की वैल्यू एक से छोटी आ रही है तो किसी से कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों नंबर को जोड़ दो, अपना आंसर आ गया, फ्रैक्शन लिख दो। लेकिन अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है तो मुझे एक इधर उधार देना पड़ेगा, एक से और बड़ी आई तो एक इधर उधार देना, एक से बड़ी आई तो एक इधर उधार देना पड़ेगा। दो से बड़ी आती तो मैं सर दो उधार दे देता, उधार देना मतलब कैरी करना, उधार लेना मतलब बोरो करना, हासिल लगाना या फिर उधार लेना। चलिए अब हम कुछ माइनस वाले क्वेश्चन देखते हैं। माइनस वाले क्वेश्चन में देखिए परफेक्ट फ्रैक्शन में से परफेक्ट फ्रैक्शन, तो परफेक्ट नंबर को तो हम छोड़ देते हैं, पहले फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन बना देते हैं। 7 × 5 = 35 होता है, ये 35 लिख दिया। 25 में से 14 गए तो 11, तो 11/35 तो प्लस में आ ही गया है, और एक से छोटा भी है तो किसी से बात ही नहीं करनी है। 3 में से 1 गया तो 2, तो मेरा आंसर आएगा 2 सही 11/35। फिर से समझ लीजिए, मैं केवल इन दो फ्रैक्शन को माइनस कर रहा हूँ। 5/7 में से जब आप 2/5 माइनस करोगे तो 7 × 5 = 35 ट्रिक बता रखी है, 25 में से 14 गए तो 11/35, और 3 में से 1 माइनस कर दो तो बचा 2, तो 2 तो पूरा पूरा 11/35 फ्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने एलसीएम लिया 20, 8 में से 5 गए तो 3, तो 3/20, 5 में से 3 गए तो 2, तो मेरा आंसर आ गया 2 सही 3/20। 3/4 में से 1/2 माइनस कर देते हैं, एलसीएम आएगा इनका 4, क्योंकि मैं यहाँ इनको काट के लिखूंगा 2 और 1, 3 में से 2 गए तो 1/4, और 10 में से 7 गए तो 3, तो मेरा आंसर आ गया 3 सही 1/4। साथियों पिछली बार की तरह, पिछली स्लाइड की तरह, इधर भी जो इन तीनों की वैल्यू आ रही है वो एक से छोटी आ रही है, क्लियर है, और 0 से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है लेकिन एक से छोटी आ रही है। फिर हम जब यहाँ देखा था तो ये सारे की सारी वाली पॉजिटिव थी लेकिन एक से बड़ी थी, तो हमें ये कैरी करना पड़ रहा था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकी वैल्यूज एक से बड़ी ना आए, एक से छोटी आए लेकिन नेगेटिव आए, मतलब 0 से भी छोटी आए, तो देखें हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यही दो फ्रैक्शन जो मैंने यहाँ लिखे थे अभी, उनको मैंने स्वाइप कर दिया बस, तो 2/5 में से जब मैं 5/7 माइनस करूँगा तो एलसीएम तो वही आएगा 35। अब 14 में से 25 माइनस करूँगा तो दोस्तों 11/35 माइनस का आएगा, माइनस का 11/35, और मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही ये माइनस करना सिखा चुका हूँ कि उधर से पहले ही एक उधार ले लो, तो अगर मैं यहाँ से एक उधार लेता हूँ तो बचेगा 24/35, तो ये 24/35 लिख दिया। 3 में से 1 उधार लिया था, 2 बचा 2 में से 1 गया तो 1 सही 24/35, ये मेरा परफेक्ट आंसर है। और देखिए इन दो फ्रैक्शन को देखते हैं, तो ये एलसीएम आएगा 20, 5 में से 8 गए तो माइनस के 3, एक उधार ले लेंगे तो बचेगा 17/20। और क्लियर, और 7 में से 3 गए तो 4, और 1 मैंने उधार लिया तो बचा 3 सही 17/20, ये मेरा इसका परफेक्ट एग्जैक्ट आंसर है। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कैलकुलेटर फ्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप मोबाइल में कैलकुलेटर चला रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पर कैलकुलेटर चला रहे हैं तो भी यूज़ नहीं होगा। चलिए 1/5 - 3/7 एलसीएम लेते हैं, भैया एलसीएम आएगा 35, 7 में से 15 गए तो माइनस का 8, 8 - 27/35 मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक उधार लेकर के, मैंने आपको बताया गांव बसाने की भिखारी पहले ही आ गए। 1 इससे उधार लिया 14 में से 8 गए तो 6, तो मेरा आंसर आएगा 6 सही 27/35। क्लियर है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फ्रैक्शन, इस तरह के फ्रैक्शन जोड़ बाकी करने में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत क्विकली कर पाओगे। बैंक में जो बॉर्ड मास के क्वेश्चन आते हैं, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे बैंक क्लर्क हो, चाहे एसओ हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, उनमें ये बहुत यूज़फुल है। एसएससी रेलवे की जब आप तैयारी कर रहे हैं, एलजेब्रा जब आपके काम आएगा, रेशो प्रोपोर्शन आप पढ़ेंगे, परसेंटेज ऐसा ही सीए पढ़ते, तो ये बहुत बहुत यूज़फुल है। बार बार जोड़ बाकी करने की झंझट खत्म, सीधा मन में ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए आपको जो नौकरी मिलती है वो पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने से कम मिलती है, चैप्टर के जो छोटे छोटे पार्ट है उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, तब जाके आपको नौकरी मिल पाएगी। क्लियर है साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूरा शेयर करें, जहाँ भी व्हाट्सएप पर जुड़ रखें, भले फैमिली ग्रुप हो तो भी, फ्रेंड्स ग्रुप हो तो भी, कॉलेज ग्रुप है तो भी, और अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं इस वीडियो को। क्लियर है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विदा लेता हूँ, जय हिंद और जय भारत।